हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टेली प्राइम के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक आपका है कैलकुलेटर। टेली प्राइम में आप कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा टॉपिक आपका है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी का क्या काम है, उससे हमें क्या लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेली प्राइम में कैलकुलेटर का यूज करके बताते हैं, फिर स्टॉक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू यूज कैलकुलेटर। सबसे पहले हम एक ट्रांजेक्शन करेंगे और उस ट्रांजेक्शन में हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने सैलरी पे किया है रहीम को, कितना, 3 महीने का। 1 महीने का रेट जो आपका है 5225 रुपये है, यानी कि 5225 रुपये सैलरी है और 3 महीने का इकट्ठा देना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो आपके पास मोबाइल हो या फिर आपके पास कैलकुलेटर हो, या आप ऐसा भी जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास दोनों नहीं है, क्या टैली प्राइम में कैलकुलेटर है या नहीं, तो यह आपका सवाल का जवाब है, टैली प्राइम में भी कैलकुलेटर है। आप यूज करके आप गुणा गणित कर सकते हैं, आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो टैली प्राइम में कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए क्या तरीका है, क्या फीचर ऑन करने होंगे, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो उस ट्रांजेक्शन में हम करेंगे पेमेंट भाउचर को, पेमेंट भाउचर में ओपन करेंगे, सैलरी अकाउंट आपका डेबिट होगा। फिर आपको कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए कंट्रोल दबा के यन प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल यन दबाएंगे कैलकुलेटर ऑन होगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अमाउंट का। ठीक है, 5225 × 3, जैसे गुणा करेंगे आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उस आंसर को आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के आंसर में जो आपका दिखा रहा 3 महीने का, उसको आप कैश में डाल देंगे, कैश यानी या क्रेडिट उसमें डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेटर को फिर बंद करना है तो कंट्रोल दबा के यन प्रेस करें। जब तक कैलकुलेटर बंद नहीं करेंगे तब तक कैश अकाउंट आपका नहीं आएगा। तो कैलकुलेटर बंद करने के बाद फिर आप उस कैश अकाउंट को में जा करके 5225 रुपये जो आपका है उसको आप अमाउंट डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एंट्री हम कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपका हमारा पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 महीने का सैलरी आपको जोड़ के लिखना है। तो क्या करना होगा, कंट्रोल दबा के यन, कंट्रोल दबा के जैसे ही आप यन दबाएंगे तो नीचे आपका कैलकुलेटर यहाँ पे शो कर रहा है ना, खुल गया। यहाँ पे आपको जो एक लिखा हुआ इसी के सामने आपको अमाउंट लिखना है 5225। ठीक, स्टार लगाएंगे तब गुणा होगा, कितने महीने का, 3। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे 15675 रुपये, ये आपको याद कर लेना है या अपने कॉपी में नोट कर लेना कहीं नीचे, फिर आपको आगे अमाउंट भरना है। ठीक है, तो 15625 ये आपको याद करना है। अभी कैलकुलेटर को हाइड करना है, हटाना है, तो कंट्रोल दबा के यन दोबारा दबाएंगे, ये आपका हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 15625 डाल देना है, इंटर दबाएंगे, कैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ से आपको डेट आपका पड़ा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर 1 अक्टूबर 1/10। ठीक है, सही है एकदम, और इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर का यूज टैली प्राइम में कर सकते हैं। क्लियर हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप एंड कैटेगरीज। अब इसका काम क्या है, स्टॉक ग्रुप का मतलब हुआ कि आपके दुकान में अगर आप 2 तरीके का माल बेच रहे हो, जैसे आपका बहुत सारे आप देखे होंगे किराना वाले दुकान पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बेचते हैं, या और भी बहुत सारे जहाँ पर आप दो दो प्रकार के वो मल्टीपल बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो अगर वो टैली यूज कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा जो किराने स्टोर का सामान है वो इकट्ठा एक ग्रुप में दिखे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो अलग इकट्ठा एक दूसरे ग्रुप में दिखे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टॉक ग्रुप का यूज करना होगा और इसके अंदर कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी। क्लियर हुआ, स्टॉक ग्रुप का क्या मतलब है, क्या काम है। तो चलिए, जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू लार्ज योर बिजनेस, यानी कि ये कब यूज होगा, जब आपका बिजनेस बड़ा होगा या आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे होंगे,
आपके पास टैली प्राइम एक ही बार 100 रुपये खरीदने को मिलता है, आप दो बार तो खरीदोगे नहीं, ठीक है। तो उसमें आप चाहते हैं कि हमारा जो पहले बार जो स्टोर इंट्री है उसको हम एंट्री करें, ठीक है, यानी कि जो किराना स्टोर वाला है वो अलग रहे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला अलग रहे, ठीक है। तो आप अलग अलग ग्रुप बना करके सभी सामान को इकट्ठा कर सकते हैं और उस दूसरे ग्रुप वाले सामान को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलग से एक बिजनेस करनी है अपने कंप्यूटर में, ठीक है, और हमारा जो कंपनी है वो कंप्यूटर का है, यानी कि हम कंप्यूटर का हार्ड डिस्क रैम और मदरबोर्ड, ठीक है, ये सब बेचते हैं। साथ में हम टीवी मोबाइल और प्रिंटर भी बेचना चाहते हैं, तो इसका हम एक अलग ग्रुप बना के रखेंगे और उसका एक अलग ग्रुप बना के रखेंगे। तो ये आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका एक सबसे मेन पार्ट है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के नाम से एक ग्रुप बनाएंगे, और इस ग्रुप के अंतर हम तीन ग्रुप बनाएंगे, मोबाइल टीवी और प्रिंटर, ठीक है। अब मोबाइल में आपके दो प्रकार के मोबाइल होंगे, टीवी में दो प्रकार के टीवी होंगे और प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर होंगे। अब दोनों मोबाइल में दो तरीके से बिकेंगे, यानी कि चार पार्ट यहाँ हो जाएगा, यानी कि कीपैड और स्क्रीन टच, सैमसंग का भी कीपैड और स्क्रीन टच होगा और माइक्रोमैक्स का भी कीपैड और स्क्रीन टच, यानी चार चार आइटम बनेंगे, कुल मिला के 12 आइटम और भी हमको ऐड करनी है, ठीक है। तो ये आप कैसे तैयार करोगे पूरा चार्ट अपने टैली प्राइम के अंदर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना होगा, जो टैली गेटअप टैली मिल जाएगा, ठीक है, फिर स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करना होगा और नाम देना है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक आइटम्स, वो नाम दीजिएगा। अंडर आप क्वांटिटी, अंडर में जो आपका रहेगा क्या रखेंगे, क्वांटिटी ऑफ एडेड ऑप्शन, इसको यस कर देंगे, ठीक है, अंडर आपका प्राइमरी रहेगा। उसके बाद फिर आपका सब ग्रुप बनाएंगे इसी तरीके से, मोबाइल टीवी और प्रिंटर, जिसका अंडर ग्रुप जो आपका जो होगा प्राइमरी के स्थान पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक आइटम, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना हम पहले करके देखते हैं, फिर आगे फिर नोट्स पर पढ़ेंगे, फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे आपका है, यहाँ से बैक आ जाते हैं, आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन, इंटर प्रेस करेंगे, ये आपका मिल जाएगा, ये ऊपर वाला ग्रुप में नहीं, ये आपका अकाउंटिंग ग्रुप है, हमको स्टॉक ग्रुप में जाना है, ठीक, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको देना क्या है, सबसे मेन यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यहाँ पर ई एल ई सी टी आर ओ ट्रिक एंड का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर शायद स्प्रे मिस्टेक हो गया, ट्रिक ए सी टी आर ओ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइटम्स ऐसे आपको नाम लिख लेना है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नाम याद रखने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइमरी रहेगा, ठीक, इंटर दबाएंगे, इस ऑप्शन को यस करना होगा, इससे आप क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी आप स्टॉक आइटम जोड़ेंगे उसी के अंतर्गत ही जुड़ता चला जाएगा, जैसे आपका चार्ट बना हुआ है तो वैसे आपका ये स्टेप बाय स्टेप स्टॉक आइटम को खोलने का काम करेगा, ठीक है। इसको आप यस कर लेंगे, यस करने के बाद इसको करेंगे एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब आपको दूसरा भी इसी में, जो आपका सब ग्रुप था, सब ग्रुप में क्या था, मोबाइल टीवी और प्रिंटर, बैक नहीं जाना, इसी में ही आपको बनाना है, तो मोबाइल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, मोबाइल मोबाइल हो गया, फिर आपका मोबाइल यहाँ अंडर आपका चेंज कर देना है, ये आपको लेना है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक आइटम, यहाँ ले लेना है, ठीक है, इंटर दबाएंगे और इसको भी आपको यस रखना ही है, ठीक। दूसरा आपका टीवी है, टीवी, ठीक है, इसको भी आपको इंटर दबाते हुए प्राइमरी के बदलाए बजाय आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक आइटम लेना है और इसको यस रखना है। और तीसरा आपका है प्रिंटर, प्रिंटर आपका हो गया, ठीक है, इंटर दबा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंटर जो है ऑलरेडी बना है ना, तो क्या करना होगा, बस आपको हर एक स्टेप पीछे जाना होगा
और यहाँ पे आकर के अल्टर में प्रेस करेंगे। अब ये चीज़ आपको सीखने वाली चीज़ है, अगर कोई आइटम पहले से बना हो तो उसमें परिवर्तन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से होगा। फिर अल्टर में आएंगे, फिर से आप ग्रुप में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको प्रिंटर है ना, इंटर दबाएंगे और इस चीज़ को उठा करके हम किसके अंदर डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर डाल के इसको यस कर लेंगे। ठीक है, इसलिए पहले हमने बनवा दिया था कि आप दो चीज़ सीख जाएं कि कोई गलती हो जाए तो सुधार कैसे करेंगे और नया नया बनाना तो जानते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया उसी के अंतर ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर आपका आ गया, इतना हो गया मोबाइल टीवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंतर्गत। फिर आपका नेक्स्ट है ब्रांड नेम आपको बनाना है, तो ब्रांड नेम भी आपको उसी सब ग्रुप में बनाना है, मतलब ग्रुप के अंतर्गत ही बनेगा जहाँ हमने भी दो बनाया है, यानी कि माइक्रोमैक्स सैमसंग, इसको आप मोबाइल ग्रुप में डालेंगे और टीवी और सॉरी ओनिडा और सोनी टीवी को हम टीवी ग्रुप के अंदर डालेंगे। एचपी और कैनन जो प्राइमरी है वो प्रिंटर ग्रुप के अंतर्गत डालेंगे, यानी कि जो प्राइमरी लिखा रहता है प्राइमरी, उस प्राइमरी के स्थान पर टीवी ओनिडा और जब सोनी बनाएंगे और एचपी जब कैनन बनाएंगे तो प्राइमरी के स्थान पर प्रिंटर डालेंगे। ठीक है, और माइक्रोमैक्स और सैमसंग जब बनाएंगे तो प्राइमरी के स्थान पर मोबाइल डालेंगे। किधर हुआ, तो कहीं नहीं जाना है आपको, वहीं पर आना दोबारा से, और यहाँ पे आपको तो बैक आ जाते हैं, अल्टर में थे, क्रिएट में आकर कहीं क्लिक करेंगे और फिर आप स्टॉक ग्रुप में आएंगे। ठीक है, इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपको सैमसंग सैमसंग, ठीक है, सैमसंग ये आपका ब्रांड नेम है, इसको हम किस में डालेंगे, मोबाइल में। ठीक है, ये आपका हो गया, इंटर दबा दिया मैंने, इसको भी ऐसे रखेंगे। फिर माइक्रोमैक्स एम ए एक्स, माइक्रोमैक्स ये भी आपका हो जाएगा मोबाइल में। ठीक, इंटर दबा दिया मैंने। आपका अगला है सोनी टीवी, सोनी टीवी ये जाएगा प्राइमरी के स्थान पर टीवी। ठीक, इस भी ऐसे रखेंगे और इसके बाद सोनी के बाद ओनीडा, ओनीडा, ठीक है, टीवी, इंटर दबाएंगे और ये जाएगा आपका टीवी में, इंटर दबाएंगे, इसको यस करेंगे। ठीक, फिर आपका लास्ट में आपका है एचपी प्रिंटर, एचपी लिखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंटर डालेंगे। ठीक है, दूसरा कैनन प्रिंटर, ठीक, ये भी आपका जाएगा प्रिंटर में। ठीक, इंटर दबा दिया मैंने, तो इस तरीके से आपका ग्रुप तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे आपका है टॉपिक में, ये तो हो गया आपके ग्रुप सब ग्रुप की बात, अब आगे बढ़ते हैं, आपको कैटेगरी बनानी है, तो कैटेगरी बनाने के लिए आपको स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो स्टॉक ग्रुप के नीचे ही था। ठीक है, तो वहाँ पर कैटेगरी नाम डालना पड़ेगा, अब मोबाइल के लिए कीपैड और मोबाइल वाला आपका हो जाएगा कीपैड और स्क्रीन टच हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए टीवी के लिए 20 इंची 40 इंची हो जाएगा और प्रिंटर के लिए आपका कलर और ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैटेगरी में जा करके 6 नए अमाउंट डाल देते हैं। तो अच्छा, कीपैड का या स्क्रीन टच का सबका प्राइमरी ही रहेगा, इसी तरीके से आपका सबका एंट्री कैटेगरी में कर लेनी है। तो चलिए आई कर लेते हैं, स्टॉक कैटेगरी आपका नीचे ही ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको की पैड इंटर दबा दिया मैंने, प्राइमरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा आपका स्क्रीन टच इंटर दबा दिया मैंने, ये भी आपका प्राइमरी ही रहेगा। ये आपको होगा मोबाइल का, फिर आते प्रिंटर में, सॉरी
टीवी में आते हैं, टीवी में आपका 20 इंच, 20 लिख करके इंच लिख देंगे ऐसे, ठीक, प्राइमरी रहेगा, फिर एक लिखेंगे 40 इंच, इंटर दबा के प्राइमरी रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका है कलर, ये भी रहेगा प्राइमरी में, ठीक है। और फिर ब्लैक एंड वाइट, एंड वाइट, ठीक, ये रहेगा प्राइमरी, ठीक है। इतना सब तैयार हो गया। इतना तैयार होने के बाद आपको फिर स्टॉक आइटम बनानी है, ठीक है। अब स्टॉक आइटम बनाने के लिए स्टॉक आइटम आपसे जाना पड़ेगा। स्टॉक आइटम आपको बनाने के लिए कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा, इसलिए स्टॉक आइटम हम कल के वीडियो में बनाएंगे। आज मैं थोड़ा सा डेमो बता दूँ कैसे बनाना है आपको, ठीक है। आना है आपको ऊपर वाले ऑप्शन में, सॉरी नीचे वाले ऑप्शन में, नीचे सबसे स्टॉक आइटम में जाना है। यहाँ पे आपको जैसे पहले आपका क्या था, मोबाइल था, तो सैमसंग, ठीक है, सैमसंग कीपैड मोबाइल, ठीक, इंटर दबाते हुए यहाँ पे आपको प्राइमरी में क्या करेंगे, यहाँ से आपका अंडर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक आइटम्स, ठीक, इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे यूनिट्स पीस में बिकेगा, ठीक, और इसको करेंगे एक्सेप्टेड। अब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक आइटम में हमने क्या है, बहुत सारी चीज़ ऐड किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा जितना हमने बनाया है, ठीक है। और इसमें आपका कल एक दो फीचर और भी ऑन करना होगा जो कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा, क्लियर हुआ। आज इतना तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।